मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में मीडिया के सवालों के जवाबों में कहा कि तैयारियां अच्छी चल रही हैं, बहुत शानदार कामयाब शिविर होगा और बड़े रूप में सब डेलीगेट्स को भी बुलाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा कि बड़े रूप में सब डेलीगेट्स को भी बुलाया गया है और कैटेगरी बनाकर समझाता हूं कि जो चिंतन मंथन होगा वो एक नैरेटिव बनाएगा देश के अंदर की कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो गांधी जी के वक्त की थी, पंडित नेहरू के वक्त की है, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल थे, अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया तो वो एक बेसिस रहा 70 साल तक देश के अंदर, और इसीलिए देश एक व अखंड रहा और देश का विकास आधुनिक भारत है तो नीतियों के कार्यक्रमों के सिद्धांतों के आधार पर है। चाहे जान चली गई इंदिरा जी या राजीव गांधी जी की, सरदार बेअंत सिंह जी की पर खालिस्तान नहीं बनने दिया और आज ये स्थिति पूरे देश के अंदर इतने चिंताजनक हालात हैं। खबर हनुमानगढ़ से है जहां पर वातावरण में बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण के प्रति नोरगदेसर गांव के युवा भी जागरूक हुए हैं और भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने का भी संकल्प लिया है। बता दें कि नोरंग देसर गांव के समाज सेवी जय सिंह बेनीवाल व उनके परिवार के 25 सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए थे। उस समय चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की भारी कमी थी। भगवान का शुक्र गुजार करते हुए जय सिंह बेनीवाल ने बताया कि घर के सभी सदस्य उस समय बीमारी से जूझ कर सकुशल घर वापस लौट आए, तभी से उन्होंने प्रेरणा ली थी कि ऑक्सीजन के प्राकृतिक स्रोत के रूप में अधिक से अधिक पेड़ों का रोपण भी किया जाए। बेनीवाल परिवार के नोरंगदेसर गांव के सरकारी विद्यालय, सरकारी कार्यालयों व शमशान भूमि में भी हजारों की संख्या में पौधारोपण कर उन्हें हरा भरा बना दिया गया है। इस दौरान ग्रामवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग किया। ग्रामीणों ने भविष्य में भी इनकी संभाल करने का संकल्प लिया तथा भविष्य में इसी सीजन में अभियान के अंतर्गत 20,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में गाँव के प्रकृति प्रेमी जनों का भी विशेष सहयोग रहा है। ये अपने 2021 के 25 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे हम। इसके अंदर हमारे पूरे परिवार में चाचा जी थे, पापा, मम्मी और मैं खुद हो गया था कोरोना पॉजिटिव और चाचा जी का लड़का, लगभग सारा परिवार ही हो गया। उस टाइम हमारे को यही महसूस हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की उस टाइम बहुत किल्लत चल रही थी, तो हमने सोचा भी चलो अपने लिए ऑक्सीजन के लिए और तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपने पौधे लगाने वाला प्रोग्राम है वो अपने बनाते हैं। तो उस हिसाब से हमने फिर मन बनाया भी जितने अपने से लगा सकते हैं उतने पौधे लगाए। खबर है दौसा के सिकंदरा से जहां पर रामगढ़ बुड़ली में आपको बता दें कि भामाशाह शेठ लक्ष्मण प्रसाद भट्ट के द्वितीय पुण्यतिथि पर शास्त्र संगीत का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओट व सिकंदरा पंचायत समिति प्रधान सुल्तान बेरवा पहुंचे। उन्होंने सरस्वती माँ के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्योगपति प्रकाश भट्ट ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत भी किया। अहमदाबाद की लंगोरिया पार्टी में भजनों की रसगंगा में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया तो वहीं शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान शिव कुमार भट्ट, पुष्पेंद्र कुमार, संजय कांत समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से है जहां पर आपको बता दें कि लखू वाली हेट पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आधी साठ तक चल रहे रिलाइनिंग कार्यों का निरीक्षण जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं की टीम ने किया है। निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र कुमार मीणा व कनिष्ठ अभियंता सुमित महार ने बताया कि ठेकेदार द्वारा RD60 से लेकर RD63 तक रिलाइनिंग का कार्य कराया जा रहा है और जांच में मौके पर कार्य संतोषजनक व सही होना पाया गया तो वहीं कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि रिलाइनिंग कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साठ से 63 का कार्य चल रहा है रीलाइनिंग का, साइड स्लोप का, ठीक है। और इसको यही है कि भाई क्लोजर में हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, बस रात दिन काम कर रहे हैं
और देख रहे हैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कंप्लीट करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमें संपूर्ण साथ दे रहे हैं, अब देखते हैं कि ये कंप्लीट करवा ही देंगे। IGNP का RD 63 से 66 का कार्य है और इसके अंदर साइड स्लोप का कार्य होना है। बेड का कार्य 2019 के अंदर इसमें हो चुका है और ये कार्य दिन रात किया जा रहा है और पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार JN IN एक्सेंसर की मॉनिटरिंग है और कॉन्ट्रैक्टर को भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए जिससे कि पानी आने से पहले पहले हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और गुणवत्ता के लिए हमारे उच्च अधिकारी और अदर एजेंसियां टाइम टू टाइम यहाँ विजिट करती रहती है। खबर हनुमानगढ़ से है जहां पर ग्राम पंचायत देईदास के सरपंच पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया है और हमले में गंभीर रूप से घायल सरपंच को इलाज के लिए हनुमानगढ़ ले जाया गया है जहां पर हालत गंभीर होने के कारण उन्हें गंगानगर रेफर कर दिया गया है। और जानकारी के अनुसार सरपंच अपने घर से गांव के बाहर स्थित खेत में जा रहे थे कि तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली कि हमलावरों ने सरपंच के हाथ और पैरों पर ताबड़तोड़ हमले किए जिससे उनके हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। देईदास ग्राम पंचायत के सरपंच राजेंद्र जी दौड़ आ रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ तलवारों से और धारदार हथियारों से। और जब ग्रामीण आक्रोशित हुए तो पुलिस डिपार्टमेंट से आए अधिकारी, उन्होंने बोला भी 5-6 दिन लगेंगे। तो ग्रामीणों का कहना है कि जब मुलजिम आइडेंटिफाई हो गए, उनको बता दिया अभी कौन मुलजिम है, तो उनको गिरफ्तारी करने के अंदर इतना समय क्यों लगेगा। इससे आक्रोशित होकर गांव वालों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है और रोड जाम कर रखी है। आज सुबह देईदास वर्तमान सरपंच राजेंद्र नोड़ पे धारदार हथियारों से और पूर्व सरपंच रहे हैं यहाँ के, उन्होंने हमला करने की सूचना प्राप्त से मौके पहुंचे हमारा स्टाफ और मैं, और उनके दबिश भी दी है घरों पे और वो अभी यहाँ से फरार हैं और उनको भी हनुमानगढ़ रेफर किया हुआ है। हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। और हनुमानगढ़ से खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। धौलपुर SP नारायण टोगस के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों ने चंबल के बेहड़ों में इनामी बदमाशों और वांछित अपराधियों की तलाश में सघन सर्च अभियान चलाया है। SSP द्वारा इनामी बदमाशों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में लगातार कार्रवाई कर रही है। SP नारायण टोगस के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों ने चंबल के बेहड़ों में इनामी बदमाशों एवं वांछित अपराधियों की तलाश की है और उनकी आमद रफ्त चेक करने के लिए सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान SP के नेतृत्व में DST टीम, RAC जाप्ता थाना कोतवाली सदर एवं पुलिस लाइन के जाप्ता की कई टीमों ने चंबल बिहड़ों में देव का पूरा, मैरोली, नीम, बसई, बिछिया, नथुआ का पूरा, भैरव का पूरा सहित अन्य स्थानों पर बदमाशों की तलाश में सघन सर्चिंग करते हुए उनकी आमद रफत की चेक की। और SP ने बताया कि इनामी बदमाशों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में धौलपुर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में जुटी हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप पिछले एक महीने में जिला पुलिस ने 5 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इनामी बदमाशों और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान निरंतर जारी रहेगा।